तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। थोड़ा पास आओ गाइस। अभी देखो रात के बज गए 10 और हमारा काम हो गया शुरू। अभी हम जा रहे हैं जरा जोमेटो की राइड पे। यह है जोमेटो की टी शर्ट, ये पहनते हैं इसको। बताओ, गली वालों से छुप के पहन के आना पड़ता है यार। गली में थोड़ा इज्जत तो है, कुछ नहीं है। अभी देखो हमारा भाई ये छुपाएगा। अरे कुछ और मत देखना। देखो तुम्हारा भाई पहनेगा जोमेटो की टी शर्ट, ठीक हो गया। ये देखो ऐसे वाला ट्रांजेक्शन दिखा देंगे तुम्हें एक बार। देखो गाइस, अभी हमने पहन लिए ये और नीचे से डाल ले लोअर, क्योंकि आज मैं थोड़ा निकर नहीं आया था। थोड़े दाने आने हुए थे ना, फुंसियाँ हो गई थी कल। अभी देखो, अरे यार एक मिनट आगे ये हमारा काम वाला बना। ओए कोई मत ले आना, भूत बना दूंगा। भूत तो बना ही दिया जिंदगी ने वैसे भी। अरे देख लो ये ठंडा हो रहा है ना यार, तो पहनना पड़ रहा है। देखो ओ माय गॉड, कोई देखना मत यार, अच्छा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा। हाँ ठीक है ना गाइस। बाकी अभी नाड़ा बांध रहे हम। ये देख लो नाड़ा इतना बड़ा है, कभी किसी बच्चे ने ऐसा कर रखा है? अभी तो मेरे, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे मुंडी पहुँच नहीं थी नीचे, वरना माँ की कसम ऐसे तो हमने बहुत बार कर रखा है बाबू। जिस जिसको याद हो कमेंट कर दो कि ऐसा किसने कर रखा है। कभी तुमने नाड़ा अपने गले में डाल रखा है ऐसे पैंट पहने हुए? क्योंकि उस टाइम पे बेल्ट वेल्ट तो होती नहीं थी, यही होता था। चलो गाइस हम हो गए रेडी अभी। लेकिन हमारी आज, अभी हम 10 बजे तो निकल गए, लेकिन मैंने, मेरे को याद नहीं था कि मैंने गीक बुक नहीं कर रखी है। तो अभी हमने गीक बुक करी है 11 बजे से, 11, 12, 1, 2 बस। फिर उसके बाद जाएंगे हम घर को। अभी एक भाई से मिलने जा रहे हैं रोडवेज, रोडवेज में मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी हम आ रहे थे तुम्हारा, कौन सी है दिखा दो, क्या है ये? रोडवेज, रोडवेज आ रहे थे। और देख लो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी आकाश भाई। आकाश भाई कुछ ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं, आप आगे को आना। ऑर्डर करना होगा ना, करना। हाँ भाई देखो, पहले मेरे को मैसेज कर देना, पहले मैसेज कर देना कहाँ पे का ऑर्डर है, वहाँ पे मेरे को बुला लेना। फिर जो ऑर्डर होगा वो सिलेक्ट करके सीधे फोन कर देना भाई को कि ऑर्डर है अपना, वहाँ से तुम्हारे पास सीधे डिलीवर। यस में तुम भी आ जाओगे। यस ठीक हो गया। और आकाश भाई कहाँ पे जा रहे हो? घर को जा रहा है। घर का हो, घर घर को थोड़ी तुम्हारा आकाश भाई का पेट बाहर आ रहा है। अरे पेट तो इनका आ ही रहा है। ये देखो भाईचारा कैफे ऑन टॉप है, भाईचारा कैफे ऑन टॉप, लू ही है सिस्टम। चलो गाइस अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा अपनी बातचीत करते हैं। तो गाइस देखो अभी हम जा रहे हैं KFC में, और KFC का ऑर्डर आया है। वो देखो KFC, आओ साथ में चलो। गाइस देखो फूड रेडी भी हो गया अभी। हम तब से मिलाते हैं। मैं भी क्या हाल है आपके? देखो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ ऑर्डर यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, वहाँ पर वहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। KFC के उसमें मिलेगा कि यहीं मिलेगा ऑर्डर? ऑर्डर वाला तो यही है। अब क्या होगा भाई? देखो अभी हम जा रहे हैं अंदर वो KFC के अंदर, और KFC के अंदर हम ऑर्डर लेने जा रहे हैं। रीच पिकअप कर देते हैं, रीच पिकअप तो कर दिया। ओके आई एम पिकिंग योर KFC। चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भाई देखो KFC के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे पेप्सियाँ लगी हुई हैं, देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे पेप्सियाँ लगी है। लेकिन हम निकाल नहीं सकते यार, चलो यहाँ पे कैमरा लगा है, क्या करें यार, चुपचाप निकाल लेते क्या जा रहा था। चलो भाई मिलता आपको थोड़ी देर के बाद। तो भाई देखो अभी हमें जाना है बनबुलपुरा एक बर्गर के लिए। भाई 31 रुपये मिला हमें इस राइड में एक बर्गर के लिए। हम जाएंगे यहाँ से बनबुलपुरा। अब यार मेरे को रास्ते तो वैसे पता नहीं बनबुलपुरा के, अभी देखो क्या होता है वहाँ का। बनबुलपुरा नहीं, राजपुरा हो, राजपुरा, हाँ राजपुरा साइड बता रहे थे। अभी देखो मैप से ही जाएंगे फिर। अब मैप में लोकेशन खोली हुई है, साइड शूट जाते हैं, साइड शूट बर्गर पहुँचाते हैं, और अगर कैंसिल हो गया तो खा लेंगे। तो भाई ऑर्डर दे दिया है, अभी हम जा रहे हैं। मतलब जो भाई था वो भी हमारे जानने वाला ही था, बोला अरे पार्ट टाइम करते हो क्या? बोला नाना यार, बोल रहा अरे पार्ट टाइम करते हो क्या? बोला नाना यार भाई हमारा तो ज़रा ब्लॉग का वो है, तब बना रहे हैं ऐसे करके,
तो पार्ट टाइम ही रहेगा, मतलब दोनों चीज़ें एक हिसाब से, मतलब टाइम वक्त बर्बाद नहीं हो रहा है, ये चीज़ है, वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। जिंदगी रोड अबे खड़ा कर लिया ना गाइस, देखो अभी ट्रक वर्क खड़े हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब आ रहा यार कर रहा हूँ यार, आदत है यार, बोल रही भाई अभी मतलब सही लगा यार, वो ऐसे आया मिलने मिलने मैं, अब जैसे ना क्या होता है, एक तो मैं आजकल पहचान जाता हूँ कि जैसे बंदा देख के ना, जैसे कोई मेरे को ऐसे देखता है, एक तो नॉर्मल होता है, ये होता है थोड़ा इंटरेस्ट में देखना, वो मैं पहचान जाता हूँ आजकल, तो वो मैंने उसको उसने मेरे को देखा तो मेरे को लगा हाँ भाई ये भी जानता है, आते ही उसने हाथ मिलाया, बोला भाई तुमने शुरू कर दिया क्या, उसने ना यार अभी तो खाली वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं पार्ट टाइम भी नहीं है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको ब्लॉग के लिए, ब्लॉग का कंटेंट है हमारा ये। हेलो हेलो राम राम, चलो भाई चलता है थोड़ी देर के बाद। तो भाई अभी हम आ गए छठवाल के वहाँ एक आ रहा है एक्सक्यूटिव, अभी क्या है ये देखियो एक्सक्यूटिव थाली, वो हम अभी छठवाल के वहाँ थोड़ा पास लेके आना, आवाज़ नहीं आ रही होगी, अभी छठवाल के वहाँ से ये लेते हैं ऑर्डर, पिक द ऑर्डर इन 1 मिनट, 1 मिनट बाद हम ऑर्डर लेंगे, और हमारे पास भी ऐसी बैग आता है, मेरा मन तो था ये लाने का, लेकिन हम लेके नहीं आए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें लोगों को जितना नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा ये जोमेटो कर रहा है, लेकिन हम लेके आएंगे इसको भी बहुत जल्दी, अभी देखो खिलेश के साथ एक और ब्लॉग बनेगा और उसमें लाएंगे ये बैग, और खिलेश बिल्कुल पीछे वो कर टांग के, चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ये ऑर्डर लेते हैं फिर देते हैं यही है फिर सिस्टम शुरू हो गया। तो गाइस अभी हम आर के पिज्ज़ा हट में, देखो ऑर्डर आ रहा है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, कहाँ से कैंसिल हो जाए ना मज़ा आ जाएगा, ये देखो इधर देखो मज़ा आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, पिज्ज़ा हट है तुम्हारा कम से कम मेरे को 75 रुपये मिल रहे हैं, तो अच्छा खासा मोटा ही होगा, और कैश में होगा तो फिर उसके बाद क्या पता तुम्हारा भाई टिप मार ले वापे ही कह दे। देखो पिज्ज़ा हट में आर के अभी, और ये देख लो सूरज भाई अपनी बंदी से बात अच्छे उतरे हैं, सबको नहीं दिखाते, सबको नहीं दिखाते, नज़र लग जाती है बाबू, एक होती तो सबको दिखाते, तीन तीन चार चार घुमा रहे हैं, एंटीना खड़ा करवा रहे हैं, बस हो गया खड़ा होके बैठ जा रही है यो। हाँ बोल दे हाँ। तो भाई देखो अभी हमारा मतलब होते एक साथ दो ऑर्डर पड़े हैं, तो पता नहीं क्या होता है, एक बर्गर सिंह का है और दूसरा हमारा है तुम्हारा ईट आउट का, और दोनों साथ में ही पड़े हैं भाई, बिल्कुल साथ में ही पड़े हैं। और तुम बातें किससे चोद रहे हो? बातें किसी से नहीं चोद रहा हूँ मैं, बात है अभी लोडियो से चोद रहा, जब से बैठा तब से बातें ही बातें, किसी से वीडियो कॉल, किसी से नॉर्मल कॉल, इसकी आज मजे ही मजे हो रहे हैं जिंदगी के, हम तो जोमेटो बॉय बन गए, ये काट रहे हैं इसलिए जिंदगी क्यों, स्प्लेंडर ले ली भाई ने अब तो, कुमारी हनुमान धाम क्यों, हाँ घुमाओ चूटिया कटवाओ अपना, अरे जाओ भाई आज की अच्छी खासी राइड बन चुकी है, 2 घंटे में हमने 300 रुपये कमा लिए भाई, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई इसमें भी तुम कमा सकते हो, ऐसे कोई बेरोजगार होगा ना तो वो भी कर सकता है इसमें, दूसरे तो सही बात है, बस गाड़ी होनी चाहिए, बस गाड़ी ऐसी होनी चाहिए स्प्लेंडर जैसी बहन से, जो 50 रुपये के तेल में तुम्हारा पूरा शहर ही घुमा दे, बस फिर तो माँ की कसम तुम्हारे जहर, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, और मेरा काम ये है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, चाहे बकचोदी कर रहा हूँ तो, लेकिन अच्छा काम कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ मार के रात के 2-3 बजे तक का जगा रहा है, तब जाके अच्छा काम कर रहा है दूसरी का। तो भाई जल्दी आ रहे हम गेट आउट में, और थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, अभी भैया भात ले बना रहे हैं बर्गर, मैं तो बर्गर खा रहा हूँ, और वो खा रहा है एग बर्गर, भूख भी लगी है, अभी खाते हैं उसके बाद, अभी काफ़ी थोड़ी देर के बाद भैया बना रहे हैं, वो बैठा हुआ बहन का दिना, थोड़ी हुआ ठंडा भी हो रहा है, प्यार भी जाएंगे आराम से घर को, आ गए बढ़िया करके 300-400 रुपये आ गए हैं, मज़ा आएंगे घर पे चल रहे हैं इसके बाद में। गाइस अभी बच्चों का सुबह के 4 और लोग अभी निकल गए टूर में, देखो ऐसे सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हम आ रहे हैं, और भाई अभी आ रहा है लास्ट ऑर्डर, जो था ना भाई वो था ही रह गया,
उसका पनीर तो मैं ले आया हूँ, बाकी पैसे भी हमें मिल ही गए हैं उसके। मतलब उसमें क्या हुआ, हमें कहाँ जाना पड़ा रहे, वहाँ फतेहपुर से भी आगे जहाँ बावन डाट के थोड़ा सा पहले एक मेरा दोस्त है यसराय में, उसके घर के वहाँ पे था बावन डाट से जो कट पड़ता है अंदर को, उससे थोड़ा सा पहले, मतलब पूरा जंगल और दो बज रहा है रात की, तो भयंकर वहाँ पे रुके तीन भाई साढ़े तीन नहीं बज रहा था, दो 2:30 हो रहा था उस टाइम पे, जब मैंने बोला फिर से एक और ऑर्डर पड़ जाएगा फिर घर को चली गए। 2:30 का रास्ते में जाते वक्त होते बाबू, हाँ तो 2:40 के थोड़ी बज गया था, 2:40 हो रहा था, 2:40 हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने भयंकर वहाँ पे क्या करा, क्या बोलते हैं, ऑर्डर दे रहे थे हम और भयंकर वो कॉल ही ना उठाए बंदा, अब हमने बहुत मतलब कि मैंने जोमेटो वालों से बोला कि कॉल नहीं उठा रहे हैं, सुबह के 15 मिनट तक उनने वो करा ये बोला, मैं रोके रखे हम, मैंने क्या मैंने दिमाग लगाया मैं सीधा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है उसके बाहर पर बैठा रह गया, मैंने इससे बोला वहीं पर लगाते हैं गाड़ी, हम वहीं पर लगे हुए वहाँ पर बैठे। उसके बाद जो भयंकर थोड़ा वो करा हमने, क्या बोलते हैं वहाँ पे बैठ रहे 15 मिनट तक, भी पुलिस वाले भी बाहर को आएगी क्या हुआ इस वक्त, बोला थोड़ा सा ऑर्डर का सुन रहे हैं तो पूछ रहे हैं यहाँ पे वगैरह वगैरह, वो भी समझ गए थे कि चलो रात को है सेफ है, मतलब इधर को तो सेफ ही था जहाँ हम जा रहे थे, मतलब तभी मैंने यहाँ पे लगाई इस वक्त बोला मैंने उनसे, बोले चलो सही है, बोले थे रुक जाओ भी नहीं पे, वो भी हमारे साथ खड़े रहे जब तक हम गए नहीं वहाँ से। फिर उसके बाद क्या करा, क्या बोलते हैं ऑर्डर कैंसिल कर दिया हमने, फिर ऑर्डर कैंसिल करा तो वो ऑर्डर मिल गए आ गया और मैं पैसे भी मिल गए और ऑर्डर भी मिल गया, तो आज तुम्हारा भाई अब जाके वो ऑर्डर कल सुबह खाएगा उठ के भैंस की, हाँ 250 का पनीर भी मिल गया, 250 का पनीर भी मिल गया और 60 रुपये और मिल गए, बढ़िया करके सूरज भाई को छोड़ते हैं। उसके बाद कल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 8 बजे से हमारे 12 बजे तक है और उससे ज़्यादा नहीं होगी, अब हो गया चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी बस ये ब्लॉग एंड ही कर रहे हैं हम, अभी ये मेरी थोड़ी है टीचर टीचर उतारने की वीडियो बना देते हैं। तो गाइस अबे उंगली हटा ले ऊपर से, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर को, सूरज भाई का घर आ चुका है और अभी हमारा घर भी आने वाला है, तो अब हम टीशर्ट उतार देते हैं, इसको डालते हैं डिग्गी में, पानी वानी कैसे गिर रहा है यार, डिग्गी में भी सामान है तो वो भी निकाल लेंगे, कुछ वायर वायर भी नहीं है, इसको डालते हैं डिग्गी में, पैक कर देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टाटा टाटा सूरज भाई, गुड नाइट।